क्या बात है बख्तू, रात के इस वक्त? मुर्तसिम खान बात करना चाहता है। तो इस रात का क्या दिन नहीं छोड़ना? ऐसी भी क्या इमरजेंसी है जो दिन का इंतजार भी नहीं किया उसने? दुआ करो मलिक मुख्तार, इस रात का दिन जरा देर से तुलू। वरना शायद पूरी दुनिया में क्यामत बर्पा हो ना हो, इस गांव में क्यामत जरूर आ जाएगी। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया यार, तुम क्या रो रही हो इधर? मुझे नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है, वरना मैं कभी भी मरियम का साथ न देती। आई ट्रस्ट यू, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तुम दुआ करो कि बस मरियम मिल जाए, उसका मिलना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। मुर्तसिम, हमें पुलिस में बताना चाहिए। पुलिस मरियम को ढूंढ सकती है। अब तुम पूरे खानदान को रुस्वा करना चाहती हो? खुश होगी तुम, क्योंकि तुमसे तो मेरा सुकून देखा नहीं जा रहा था। तो चाहती थी कि नौरे से उसकी शादी ना हो। चलो ये मसला भी हल हो, अब उसे खुद ही पता चल जाएगा और सारे खानदान को भी पता चल जाएगा। अब चैन आ गया तुम्हें? आप मीरब को क्यों बीच में ले आती हैं मां साहब? मुर्तसिम, मुझे पक्का यकीन है कि मरियम को भगाने में इसका हाथ है। कुछ भी हो जाए लेकिन मीरब ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस पर इतना भरोसा क्यों करते हो, क्यों करते हो? मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक दफा फिर कह रहा हूं मां साहब, मीरब मेरी जान भी ले ले मुझे कोई एतराज नहीं है, उसे इजाजत है, लेकिन जब तक वो इस घर के किसी और फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, फिर एक वादा करो, अगर किसी भी तरह ये साबित हुआ कि मरियम को भगाने में इसका हाथ है, तो तुम इसे खुद धक्के देके निकालोगे इस घर से। इसकी नौबत नहीं आएगी, भरोसा रखिए मां साहब। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। नहीं मुर्तसिम, तुमने कुछ नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मरियम का वापस आना बहुत जरूरी है, वरना मां भी का मुझे कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दो? मुर्तसिम, जिसे पाने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजर रहा हूं मैं। कभी तुम मेरे हाथ में आती तो कभी फिसल जाती, लेकिन अब तुम बिल्कुल मेरी मुट्ठी में हो। अनस नहीं, अनस नहीं, मलिक जुबैर। तुमने नाटक किया मोहब्बत का, धोखा दिया मुझे और मैं तुम्हें घर तक ले गई। कितनी बेवकूफ थी मैं। बस बस, बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत, नफरत करता हूं मैं तुमसे।
और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे भाई से नफरत करता हूं मैं। मेरे पे मुकदमा करेगा वो है, मुझे जेल भिजवाएगा, मेरी जमीनों पे कब्जा करेगा और मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। नहीं, अब तो वसूली का वक्त हुआ है, तुमसे भी और तुम्हारे भाई से भी। तस्वीर देख के तुम्हें अपने बेटे की घटिया हरकत पे यकीन आ गया होगा मलिक। मलिक मुख्तार, मुझे मेरी बहन रोशनी होने से पहले अपने सामने चाहिए। मुर्तज़िम खान, पहले यह बताओ कि मेरे बेटे को किसने बरगलाया तुम्हारी दहलीज तक आने के लिए? और किसने तुम्हारी दहलीज पार करवाई है? तुम्हारे बेटे ने धोखे से मेरी बहन को अपनी जाल में फंसाया और अब मुझे धमकी दे रहा है कि उससे शादी करेगा। मलिक मुख्तार, मैं एक बार फिर कह रहा हूं और इसे आखिरी बार समझना, अगर रोशनी होने से पहले मुझे मेरी बहन ना मिली तो कल का दिन तुम में से कोई भी नहीं देख पाएगा। याद रखना। मंसूबों में कामयाब नहीं होगे तुम, कुछ भी कर लो। अच्छा, क्या करोगे? हाँ, मारोगी मुझे? आओ, मारो मारो। तुम्हें नहीं मार सकती तो क्या होगा, अपनी जान तो ले सकती हूँ ना। नहीं 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 मरियम, नहीं, तुम्हारी जान अब मेरे काबू में है तो मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने आप को मार भी नहीं सकती। घिन आती है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज को इस्तेमाल की। दूर हटो मुझसे मलिक जुबैर, दूर हटो मुझसे। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगी? अपने भाई को आवाज दो,
दो। मैं दे दू। मर्तजा यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें कौन है? तुम्हारे ससुर की कॉल आ रही। आता हूँ वापस। कौन है दरवाजा? सलाम बाबा। कहाँ हो तुम? आप यही दोस्तों के साथ बाहर निकला हूं। मुर्तसिम खान की बहन को कहाँ लेकर गए हो? यानी मुर्तसिम खान आप तक पहुंच गया? मुझे तुम तक पहुंचना है। बताओ कहाँ हो तुम? आप बीच में मत आए बाबा। अंदाजा भी है मलिक जुबैर, तुमने क्या जुर्म किया है? जुर्म मेरा? सजा भी मेरी। बकवास मत करो, बताओ कहां हो तुम? मैं मुर्तसिम खान की बहन को उसके हवाले करूंगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा बाबा। जुबैर बस। अब मैं पीछे नहीं हट सकता बाबा। मुर्तसिम खान को मेरे आगे झुकना होगा। क्या तुमने बगैर तिका तमगा सर पे सजाने का अहद कर लिया जुबैर? बेगैरती सही बाबा, लेकिन इस वक्त मुर्तसिम खान की इज्जत मेरे हाथ में। अगर आप मेरी नजर से देखें तो मैं बहुत अमीर हूं बाबा। जुबैर, जुबैर मेरी बात सुनो, अभी इसी वक्त उनकी लड़की को उनके हवाले करो। कर दूंगा बाबा, कर दूंगा, लेकिन पहले मुर्तसिम खान को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कौन सी कीमत? क्या मांगने जा रहे हो तुम? ये आप छोड़ें बाबा, मुर्तसिम खान मेरी मांगे पूरी करेगा तो उसको उसकी बहन मिलेगी। ये औरत के कमजोर कंधे पे अपनी बंदूक रखकर मांगे पूरी करवाओगे? कहीं इतनी सी भी गैरत नहीं रही तुम में? बाबा कंधा किसका है जरा ये भी तो देखें। मुर्तसिम खान की बहन है। इससे मजबूत भला क्या हो सकता? अब पता चलेगा मुर्तसिम खान को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बताओ मुझे कहां हो तुम? आज नहीं बाबा, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। जुबैर, जुबैर मैं बाप हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उनकी लड़की उन्हें वापस करो। बस बाबा,
तू? मुर्तसिम खान से कहो कि मेरे लिए मेरा बेटा मर गया। मालिक, मलिक मुख्तार कह रहा है कि उसका बेटा मलिक जुबैर जहां भी मिले उसे गोली मार। क्या कहा मलिक मुख्तार ने? बेटा उसने कहा कि उसका बेटा उसके लिए मर चुका है। मर चुका है, मर जाए, कीड़े पड़ जाए, मुझे उससे क्या? मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है। मेरी मरियम कहाँ है? माँ, मेरे बस में हो तो अभी जाकर उसको ले। हम लोग पुलिस को नहीं बता सकते तो एटलीस्ट उसका फोन तो ट्रेस करवा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें। मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मलिक जुबैर की लोकेशन मिल जाए उस तक पहुंचा जा सकता है। पता करवाया है मैंने, कुछ ही देर में आ जाएगी लोकेशन। मुर्तसिम, तो क्या तुमने खानदान से बाहर किसी को ये बात बताई? ये सबको पता चल गया तो क्या होगा? मां, मेरी बहन है वो, इज्जत है मेरी, बदनामी नहीं होगी। तुमने मेरे बाप को बिना वजह जगा कर उठ लिया। जब तक मैं नहीं चाहूंगा उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। तू जमीन की आखिरी तह में भी होगा ना तो वहां से मैं निकाल लूंगा तुझे। आखा, तुम्हारी ताकत को मैं दांत तो देता हूं।
मैं अगर जहन्नम में भी हुआ तो मुझे वहां से भी निकाल दो। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में एक चिड़िया है और उस चिड़िया में तुम्हारी जान बसी हुई है। सुपर। और वो चिड़िया अब भी मेरे कब्जे में। मरियम को कुछ नहीं होना चाहिए मलिक जुबैर, तुझे खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं होगा खान, कुछ नहीं होगा अगर तुम मेरी एक दो शर्तें मान लो। बोलो। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। और वो जो तुमने मुझ पे कत्ल का मुकदमा किया है ना, तो भी वापस मुर्तसिम को तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर नहीं। वो मेरे मरहूम बाप की जमीन है और जब बेगुनाह लोगों को तुमने कत्ल किया उसकी सजा भी तुझे मिलेगी। लोगों के बारे में अगर सोचते रहोगे ना मुझे सिलफान, तो अपनी बहन को खो दूंगे तुम। अभी कुछ ही देर में मैं तेरे सामने होगा। तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा मलिक जुबैर। बस अगर तू मुझ तक पहुंचा या मुझ तक पुलिस लाया तो तुझे तेरी बहन मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लाश के तौर पे। सोच ले क्या करना है। फैसला आज भी खान ही का है। सिर्फ किसी भी तरह दरिंदे से मेरी बेटी को छुड़ा दो। खुदा जाने उसकी इज्जत उसके हाथ में है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल है। Thank you.
मेरे समझ में ये नहीं आता कि मेरी मासूम सी मरियम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, वो कैसे कर सकती है ये सब। उसकी हिम्मत मीरब ने बढ़ाई है। इसीलिए रो रही है। आया। मीरब इसलिए रो रही है कि उसको हमारी तरह फिक्र है मरियम की। नहीं, वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो पछता रही है। कि उसने मरियम को मलिक जुबैर के साथ भगाया। इल्जाम मत लगाओ उस पे। ये इल्जाम अब सच होने वाला है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत। और मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे। तुम्हारी आंखों पर इसने पट्टी जो बांध कर रखी है मुत्तसिम। ठोस सबूत है, आंखों वाले इससे मुनकिर नहीं होंगे। लेकिन तुम भी एक दफा अपनी आंख से इसका हाथ उठा कर देखो और गौर से देखो इसे। देखा, मैं तो पहले कहती थी यह है दुश्मन हमारी। मेरी बेटी के इस अगवा में यह सब किया जा रहा है। इसका इसी की वजह से मेरी बच्ची उस दरिंदे के कैद में। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने मेरा? अपने घर की इज्जत को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने। मलिक जुबैर को क्या कहे, यहां तो घर की बहू ही घात लगाए बैठी थी। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हमसे? हमारा क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही ना कि तुम्हारी मर्जी के बगैर हमने मुर्तसिम से तुम्हारी शादी कर दी। इतना बड़ा बदला लिया तुमने हमसे। मेरे चचा, ये सब इसकी प्लानिंग थी, या मलिक जुबैर के साथ भगाना या उससे शादी करवाना, और ये उसमें कामयाब हो गई है। क्या तुम्हारी बीवी बेकसूर है? तुम बताओ अनवर, तुम्हारी बच्ची का कोई कसूर नहीं? बताओ, देखा तुमने? मीरब,
तभी सबके सामने कहोगे ये झूठ है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक बार कहो कि ये झूठ है। मुझे हमारी मोहब्बत की कसम, सबको फरामोश कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। एक बार कहो कि ये झूठ है, तुम सबको बताओ कि ये झूठ है मेरा। एक बार कहो कि ये झूठ है। सब कुछ झूठ नहीं है। देखा देखा, मान लिया इसने, देखो मान लिया इसने। क्या तुम अब भी इसका साथ दोगे मुर्तसिम? तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आना कहाँ है? हाँ हाँ मुर्तसम, हाँ बेटा, मरियम को लेने जा रहे हो ना? जैसे भी हो बहन को लेकर आना मेरी जान, जल्दी से जल्दी। वो वीडियो जो सबूत के तौर पे दिखा रही थी पहले, ये तो मरियम है। जी, ये मरियम और ये मलिक जुबैर। और ये मीरब कुछ बात कर रही है? हाँ कह रही होगी, जाओ भाग जाओ। तुमने मरियम को मलिक जुबैर के साथ देखा तो मुझे क्यों नहीं बताया? माँ बेगम, मैं नहीं जानती थी वो मलिक जुबैर है, मैंने उसे नहीं देखा हुआ था। लेकिन जब मरियम रेस्टोरेंट में किसी लड़के से बात कर रही थी तब भी तुमने क्यों छुपाया मुझसे? मुझे बता देती ना, क्यों नहीं बताया? माँ बेगम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम चाहती थी कि मरियम भाग जाए। तुम भी इसमें मुलविस हो। अगर तुम इसमें मुलविस हुई और साबित हो गया तो याद रखना है यार, मैं तुम्हें ऐसा गांव भेजूंगी कि तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। क्या बताती, क्या कहती आपको?
आप यकीन करती? इससे पहले मैंने जब भी मीरब की सच्चाई आप लोगों के सामने जाहिर करने की कोशिश की है, आप और मुर्तसिम उसे सच्चा जाहिर करके मुझे सजा देते हैं। या तो मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है या मुझे गांव भेज दिया जाता है। कोई फायदा नहीं था इसलिए चुप रही। अभी जब मरियम भाग रही थी मैंने कोशिश की उसे रोकने की, बताने की कोशिश भी की, लेकिन फिर सोचा कि मीरब चलाकी से ये चीज भी मुझ पे डाल देगी, इसलिए नहीं बताया। चुप रही मैं, लेकिन ऊपर वाले ने उससे इस दफा ऐसा बेनकाब किया कि आप सबकी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे नहीं झूठा कहा जाएगा, मुझे नहीं नजर बंद किया जाएगा। मैं मुर्तसिम की मोहब्बत का भरम नहीं रखूंगी इस दफा। मिल जाएगी माफी, मुर्तसिम उसे फिर माफ कर देगा। उसे इस घर से जाना होगा। जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ। मुर्तसिम के आने से पहले पहले मैं उसको यहां से रवाना कर दूंगी। जाओ। तुझे पल में बुला।